आधा किलो आटा लिया है, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब पूरी अच्छी बने इसके लिए हमने थोड़ा रिफाइंड डाला है 2 चम्मच, और इस पे हम आटे पे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा इन दोनों को मिक्स कर देंगे, रिफाइंड और आटे को अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम थोड़ा अजवाइन डालेंगे। आप ऐसे पूरी बनाइए तो सच में बहुत अच्छी बनेगी खाने में। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इनमें पानी, थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, नहीं तो गीला हो जाएगा। हमें गीला आटा नहीं करना है। हमारा देखा आटा यहाँ इतना गुथ चुका है। ध्यान रखिए कि आप पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ही आटे को गूथें, ताकि गीली ना हो और हमारी पूड़ी भी अच्छी बन जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। ये हमने आटे को गूथ लिया है। गूथने के बाद इसमें थोड़ा कपड़ा ढक के रख देंगे। कपड़ा ढकने के बाद अब देखिए, हम इसे पूड़ियाँ बेलेंगे। इसे थोड़ा और गूथेंगे हम। इसे हमने टाइट गूथा है। प्लीज़ एक बार ऐसे पूड़ियाँ बना के देखिए, सच में आपको भी बहुत पसंद आएंगी। अब इसे हम कट कर लेंगे 4 भागों में। हम कट कर रहे हैं, तब तक प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपका एक लाइक कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने का एक का कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी और का भला हो जाता है, तो प्लीज़ कर दीजिए। अब हम कट चुके हैं, तो अब हम इन्हें बेलना स्टार्ट करते हैं। हमने बेलने में तेल लगा रखा है, जिससे वो चिपक नहीं रहा है। अब इसमें हम 2 पूड़ियाँ बनाएंगे। हम इसे अच्छे से और बड़ी करके बेल लेते हैं। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ये हमने किसी टिफिन का ढक्कन लिया है और इस पे हम रखेंगे। इस पे जोर डालेंगे तो ये थोड़ा कट हो जाएगा, जिससे हमारी गोल गोल पूड़ियाँ बनेंगी और बहुत सारी बन जाएंगी। देखिए, इसमें हमने 2 पूड़ियाँ बना रखी है। जो हमने कट कर लिया है, इसे हम अलग कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरह दिख रही हैं। तो आप भी ऐसे ही बना सकती हैं। अब हम सारी पूड़ियाँ ऐसे ही बेल लेंगे।
बेल रहे हैं। ये सारी पूरी ऐसे ही बेल के कट कर लूँगी, इससे कम समय में मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल सकूं। ऐसे ही करके मैं सारी पूड़ियाँ बेल लूंगी। जैसे हमारे कम समय में ज़्यादा पूड़ियाँ भी बेल जाएंगी। देखिए कितना अच्छा लुक भी आ रहा है। जो नए लोग हैं उन्हें बनाना नहीं आता है कभी सीधे से बेलना, तो आप इस तरीके से बेल सकते हैं। हमने ऐसे ही पूड़ियाँ सारी बेल लेनी है। मुझे टाइम लग रहा थोड़ा। जब तक मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे करके हम हमारी सारी पूड़ी बेल गई मिल चुकी हैं। देखिए सब एक साइज की पूड़ियाँ बन चुकी हैं। हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे, जिससे वो अब पूड़ियों को हम रिफाइंड में तल लेंगे। इन्हें हाई गैस रखना है। देखिए रिफाइंड अच्छे से गर्म हो जाए तब आप डालिए इस पे। अब थोड़े से रिफाइंड में भी पूड़ियाँ निकाल सकती हैं। इन्हें सुनहरा होने तक पकने दें। ऐसे ही करके सारी पूड़ियाँ आप पका लें, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करिए। मैंने खुद खा के देखा, सच में बहुत टेस्टी लगती। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए हमारी पूड़ी कैसे फूल जा रही हैं। ऐसे करके हम सारी पूड़ियाँ तल लेंगे। बीच बीच में गैस स्लो भी कर दे, जैसे हाई हो जाता है तो पूड़ियाँ सही से पक नहीं पाती हैं, जल जाती हैं, तो मीडियम गैस रखें। मैं ऐसे ही करके सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। हाँ हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई, कुछ इस तरह से दिख रही हैं। देखिए